हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टेली सफर। सो फ्रेंड्स, जी टीवी का सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा एक नई आवाज और नए टैलेंट्स के साथ शुरू होने जा रहा है। अब ऐसे में छोटे छोटे शहरों से अपने सिंगिंग के सपने पूरे करने के लिए कई टैलेंटेड सिंगर्स आए हैं, जिनमें से एक स्पेशल कंटेस्टेंट को प्रोमो में दिखाया गया, जिसका नाम है एल्बर्ट काबो लेप्चा, जिनका प्रोमो से ही काफी नाम हो चुका है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के कलिम्पोंग के रहने वाले एल्बर्ट काबो इस सीजन शो में आए हैं और उनकी आवाज सुनकर जजेस हिमेश रेशमिया, अनु मलिक और नीति मोहन इम्प्रेस हो गए, क्योंकि उनकी इतनी सूदिंग वॉइस थी कि ये सुनकर जनता भी मेस्मराइज हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि एक हंसी के पीछे, इतनी अच्छी आवाज के पीछे कितनी बड़ी स्ट्रगल होती है, कितने बड़े बड़े दुख होते हैं। सारेगामापा बंगला 2022 रियलिटी शो में फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं, लेकिन पिछले ही महीने एल्बर्ट ने अपनी बेटी एवलिन को खो दिया और बच्ची एक साल की भी नहीं थी। दरअसल बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी और वो कोलकाता के हॉस्पिटल में थी, जहां उसकी हालत में सुधार था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और एवलिन दुनिया छोड़कर चली गई। एल्बर्ट ने सोशल मीडिया में दुख भरी खबर बताई। सारेगामापा में आने से पहले ही एल्बर्ट एक पॉपुलर आर्टिस्ट रह चुके हैं सारेगामापा बांग्ला से, लेकिन इतने बड़े लॉस के बाद भी अपने आप को प्रूव करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अपना बच्चा खोना बहुत बड़े दुख की बात होती है। फिलहाल ऑडियंस 26 अगस्त का बहुत ही ईगरली वेट कर रही है, जहां हर कोई एल्बर्ट को सुनना चाहता है। तो लेट्स सी और कौन से आर्टिस्ट करने वाले हैं अपनी आवाज से जजेस को इम्प्रेस। तो जानने के लिए देखते रहिए सारेगामापा, और एल्बर्ट की जिंदगी से जुड़ी बातें जानने के बाद आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।